तो आज के वीडियो में रहेगा ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी क्या। और कई लोगों ने मुझसे भाई मैसेज करके ये भी पूछा है कि भाई क्या हो गया तो बाइक में, तो वो भी मैं बताऊंगा क्या है और क्या नहीं है। भाई अब देखते हैं आगे का सीन क्या क्या होने वाला है। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज की, प्रोज यानी कि क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं। तो भाई क्या क्या बढ़िया नहीं है ये थोड़ा कम है, बढ़िया क्या है ये तो बहुत ज़्यादा है। कि बाइक की बात करूँ तो भाई राइडिंग क्वालिटी, जो सबसे पहली चीज़ जो इसमें नोटिसेबल थी वो थी राइड क्वालिटी। भाई एक तो है कि इसका सस्पेंशन ट्रैवल क्योंकि ज़्यादा है तो बाइक स्पीड 400 से थोड़ी सी ऊँची है। 835 mm की इसकी सीट हाइट है, जो कि मेरे जैसे राइडर जो कि 170 सेंटीमीटर की हाइट है मेरी, उसके हिसाब से वो थोड़े से ज़्यादा पड़ती है। बट क्योंकि मुझे राइडिंग एक्सपीरियंस है तो मैं उसे मैनेज कर रहा हूँ बड़े आराम से, ठीक है ना। बाइक पे जैसे चढ़ जाओ चलने लगे बाइक, उसके बाद तो आप कितनी भी हाइट हो, ठीक है ना, 4 फुट के भी हो, आपके पैर अगर गेट तक पहुँच रहे हैं तो भाई चलाने में कोई आपको प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली। इतनी बढ़िया है भाई, गजब की इसकी हैंडलिंग है, पैर टिकाने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप की इन्होंने बाइक बना दी है ये। भाई सबसे मतलब मज़ेदार जो है राइड क्वालिटी जो मैं बोल रहा था, गड्ढा आ जाए कुछ आ जाए भाई बाइक एकदम रहती है प्लांटेड और कहीं इसमें पता नहीं चलता कि झटके लग रहे हैं। मैं इसका रिव्यू करूँगा, मतलब कंपैरिजन करूँगा आपका एक तो बुलेट से, मेरे पास बुलेट भी है, ठीक है, और एडवेंचर 390 वगैरह जैसे बाइक से। तो एडवेंचर 390 एग्रेसिव है, बुलेट थोड़ा सा डोसाइल है, थोड़ा सा आराम की सवारी है, और ये है दोनों का मिक्सचर। तो भाई क्या ही मिक्सचर बना दिया भाई सब, मतलब अगर आनंद से चलाना है, लो स्पीड में चलाना है तो आप छठे गियर में आप 30-40 की स्पीड में भी क्रूज़ कर सकते हो। इस टाइप की गियर इसका गियर बॉक्स है, इस टाइप की इसकी गियरिंग रखी गई है कि भाई आप बिल्कुल आराम से अगर फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, स्पीड आपकी 5 से भी कम है तो भी आपको पैर टिकाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बढ़िया इसका बैलेंस है। तो भाई आप आराम से चला सकते हो, सब कुछ बढ़िया है इसमें, ठीक है। आवाज़ भी ऑलमोस्ट इसका जब भागने लगती है ना तो 390 जैसी ही आती है भाई, मज़ा आ जाता है। किसी चीज़ में कम नहीं है, किसी भी चीज़ में कम नहीं है। जितनी आपको पावर चाहिए ना एक हाईवे में क्रूजिंग के लिए या शहरों में चलने के लिए या आपको पहाड़ों में चढ़ना है कहीं पर भी, पूरी पावर है भाई, टॉर्क भी पूरा है, पावर भी पूरी है, किसी चीज़ में कमी नहीं है, ठीक है ना। जो बंदा चला रहा है अगर वो चला सकता है तो भाई वो कहीं पे भी लेके जा सकता है, ये वैसी बाइक बना दी। ये नाम की स्क्रैम्बलर है कि माइल्ड ऑफ रोड, हिसाब टायर चेंज करा दो, हैवी ऑफ रोडिंग भी करोगे वो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके हैंडल बार की, हैंडल बार की जो विड्थ है, ठीक है ना, वो है बहुत ज़्यादा चौड़ी। तो ठीक है ना, मैं बुलेट में ऑलरेडी चौड़ा हैंडल बार लगा रहा था, ये उससे भी थोड़ा सा 1.5-2 इंच ज़्यादा ही है, पर कंफर्ट वाइज बहुत अच्छा है। सैडलिंग किसी को करनी है तो वो भी कर सकते हो, सैडलिंग करने में भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और भाई मतलब अब क्या बताऊँ, जो चीज़ आप इस बाइक में करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, ये उस टाइप की बाइक बना दी है। डर कहीं पे भी मैंने कल परसों मतलब 300 किलोमीटर के अंदर मैंने इतना घुमा दिया, ऐसा हर टाइप के टेस्ट मैंने इस पर कर लिए कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक भी खामी नहीं है भाई, जो वर्थ द मनी है, जिसको भी लेना चाहता भाई अभी ले लो भाई, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना। मैं तो ये रिव्यू देता हूँ इस बार। तो भाई अब आती है बात सीरियस चीज़ की, जो कि है कॉन्स। प्रोस तो भाई सभी बता देंगे, पर कॉन्स क्या हैं इसके, क्या कमी है बाइक में भाई, कुछ तो होगी ना कमियाँ, तो मैं कमी भी बता देता हूँ। और ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि भाई आप अगर बाइक ले रहे हैं इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है उसमें, क्या कुछ कमी भी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या कमी है मैं बताता हूँ, डरो मत, ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है, इतना भी सीरियस नहीं होना था यार, थोड़ी सी कमी है, ठीक है, थोड़ी सी कमी है, मैं बताता हूँ क्या कमी है। राइड करते हुए एक जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगी वो है रियर व्यू मिरर्स, ठीक है ना। जो रियर व्यू मिरर हैं इनकी विजिबिलिटी बहुत लिमिटेड है। अब कैसा है कि मैं बताता हूँ, अगर बाइक चलाते हुए आप अगर आपने इसे सेट कर रखा आपको एकदम अपने पीछे का एकदम बिल्कुल बढ़िया दिखेगा, पर क्या है कि जो यहाँ तक आपको जितनी चीज़ दिख रही है इसके अंदर वो आपकी लिमिटेड है, ठीक है ना, वो सभी सभी मिरर्स में वो लिमिटेड होती है।
पर अब होता क्या है कि अब हम हाईवे में क्रूज़ कर रहे हैं ना अगर, तो क्या होता है कि आजकल जहाँ आपने देख ही लिया सब जगह 3 या 4 लेन हाईवे तो है ही वन साइड में, तो अब उसमें क्या होता है कि आपका ब्लाइंड स्पॉट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा बन जाता है। तो ये गोल मिरर जो है इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग के साथ तो अच्छा चल रहे हैं, पर क्या है कि अगर ये थोड़ा सा लॉन्ग में आते, कुछ अलग सी शेप देते, ये थोड़ा सा लॉन्ग में आता कुछ होता इसमें, तो ये जो है आपका जो एक्सटेंडेड अगर जो विज़न मिलती ना यहाँ से ऐसे को, उससे आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है वो नहीं रहता। और इसकी वजह से ये मुझे मतलब हाईवे में क्रूजिंग करते हुए बहुत प्रॉब्लम हुई है मुझे। बेसिकली ये एक्स्ट्रा बाहर को ऐसा करके तब हल्का सा ऐसे झुक झुक के मुझे देखना पड़ रहा था, ठीक है ना। तो ये एक वो है, बॉदर है ये एक्चुअली, क्योंकि हाईवे में आप उतना उधर उधर अगर आपको मुड़ मुड़ के देखना पड़ेगा तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब आप देखोगे हमने खोल रखी है सीट, ठीक है ना। अब सीट खोल रखी है तो इसका क्या है, सीट खुलती है यहाँ से नीचे से, एक चाबी है, एक चाबी से ये पीछे की जो बैक सीट है वो खुल जाती है, और आगे की फ्रंट सीट खोलने के लिए ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे स्क्रू दे रखे, ये दो स्क्रू दे रखे हैं, ये दो स्क्रू भी खुल जाते हैं। टूल किट के नाम पे हमें मिलता है एक ये रेंच, ठीक है, और एक ये देख रहे हो एक साइड एलन की है, एक साइड फिलिप्स हेड है, कुछ भी इसमें मतलब पीछे का ना वो जो होता है हत्ता पकड़ने का वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी मदद से हम खोल देते हैं ये, ठीक है ना, ये स्क्रू लगते हैं इधर ऐसे ऐसे करके खुल जाता है। ये है इनका बैटरी का चार्जर और ये बैटरी, अब ये ओरिजिनल बैटरी नहीं है, ये अभी फ़िलहाल चेंज हो रखी है। क्यों हो रखी है, क्योंकि उस दिन प्रॉब्लम हुई थी ना, उस दिन चेंज हुई थी। अब उस दिन इशू क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई इशू क्या हुआ था। इशू हुआ, अब मैं हाईवे पे क्रॉस कर रहा था और गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। अब यार ये बंद हो गई तो उसके बाद स्टार्ट ही ना हो। मैंने बोला ये क्या हो गया यार, 1.5-2 घंटे अब मैं फंसा भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं, आसपास कोई इलाका आबादी नहीं, हाईवे में ऐसी जगह फंस गया। फिर भाई एक सरदार जी मिल गए, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी, मुझे धक्का लगा के पैर से बैटरी के मैकेनिक तक ले गए। तो वहाँ पे जाके पता चला कि भाई बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी बिल्कुल, जो ओरिजिनल बैटरी थी बिल्कुल डिस्चार्ज हो रही थी। मैंने बोला ये कैसा हो गया, 180 किलोमीटर में चल चुका था उसके बाद भी डिस्चार्ज हो रही थी बैटरी। खैर उन्होंने बोला कि भाई बैटरी मैकेनिक ने बोला आप एक बार बैटरी को मैं चार्ज कर देता हूँ फिर चलो। फिर चार्ज करी, फिर थोड़ी देर में ही बंद हो गई वो, तो बेसिकली वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई फिर से बिना कुछ ज़्यादा चले। मैं फिर वापस उसी मैकेनिक पे गया, कैसे कैसे करके ये सब करने में मुझे 5 घंटे लग गए। तो उन्होंने मुझे बैटरी चेंज करना बोला, आप एक बार बैटरी चेंज कर लो, हो सकता है बैटरी फॉल्टी हो, ठीक है। मैंने बैटरी भी चेंज कर दी, ओरिजिनल बैटरी मेरे पास रखी है, बैटरी चेंज कर दी। अब उसके बाद भी क्या हो रहा है कि जब हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे थे तो बैटरी करंट जो था मतलब चार्जिंग कभी ले रहा है कभी नहीं ले रहा, कभी ले रहा कभी नहीं ले रहा, तो क्या हुआ फॉल्ट पता नहीं। अब इसमें जो ये पीछे ये जो बैटरी चार्जर है ये बेसिकली अपनी जगह पर फिक्स है ये, ठीक है ना, इसके टर्मिनल होते हैं और इस टर्मिनल में यहाँ की साइड से ये ढीला हो रखा था, यहाँ पे इसका ग्राउंड है अंदर, ग्राउंड वाला टर्मिनल होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव और ग्राउंड, वो टर्मिनल इसका ढीला हो रखा था। अब वो टर्मिनल ढीला होने की वजह से ये बैटरी चार्ज ऑनलाइन नहीं आ पा रहा और बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है उस वजह से। अब भाई अभी पहली मतलब पहला दिन है बाइक राइड का, तो उस दिन कैसे पता चलेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं भाई, नई गाड़ी में समझने में टाइम तो लगता ही है। अब क्या करूं करके फिर मैंने देखा कि मैंने बोला ये चलो ये देखते हैं इसका कि कैसे करा जाए। तो भाई उन्होंने खोला पूरा अंदर, उसे फिट करने की कोशिश करी, टर्मिनल को टाइट करने की कोशिश करी तो नहीं हो रहा है कुछ, उसके प्लास्टिक चीज़ पे वो मतलब सेट है तो वो अच्छा कॉन्टैक्ट बना ही नहीं रहा। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो बेसिकली ट्रायम्फ को देखना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ये जल्दी सॉर्टेड आउट होना चाहिए, अदरवाइज़ भाई लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, उनका काम नहीं बनेगा ऐसे। तो जैसे मैं फंसाता हूँ भाई, मैं तो लकीली मैं बैटरी वाले पे गया मैं रादर देन किसी और मैकेनिक पे, तो उसने देख के पकड़ लिया इस चीज़ को। अब हुआ क्या उसके बाद, जब वो नहीं हुआ चार्ज नहीं हो रहा, तो फिर मुझे ये एक छोटा सा जुगाड़ करा, ठीक है ना,
बैटरी को और यहाँ से ग्राउंड कर दिया, ये चेसिस पे ही है, तो ये ग्राउंड हो गया। तो उसके बाद से भाई बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी पावर लैग के बिल्कुल गाड़ी ऐसे चली जैसे नई जैसी नई ही है पर नई जैसी चल रही थी भाई, बिल्कुल बढ़िया मज़ेदार, ठीक है ना। तो भाई ये एक बहुत बड़ा इशू था जो मुझे फर्स्ट राइड पे ही महसूस हो गया। और भाई मैं तो बोलूँगा कि भाई ट्रायम्फ से कि भाई इस चीज़ को जल्दी देख लो आप लोग, ठीक है ना। फिर बात आती है टायर्स की। टायर्स इसमें MRF के टायर्स हैं, कर्व है और रेवजी ऐसा कुछ है, आगे कर्व पीछे रेवजी। तो भाई कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया इन टायरों में, मतलब हाईवे वगैरह में ठीक है, अगर आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो तो भाई कोई सा भी टायर लगा लो आपको सब बढ़िया से ही चलते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती। पर जब हम थोड़ा सा मशीन को अगर उसे थोड़ा सा लिमिट में पुश करने की कोशिश करें तब ये उतना बढ़िया कॉन्फिडेंस नहीं देते। तो भाई मैं वो जो भी बोलूँगा जो थोड़े से एंथुजियास्ट टाइप के बंदे हैं भाई वो अपना टायर चेंज करा ले, या तो कंपनी अगर इसे अच्छे टायर दे दे कुछ, क्योंकि बाहर के स्पेक्स में तो भाई ये अच्छे टायर देते हैं मिशेलिन वगैरह के और पिरेली के, तो कुछ वैसे यहाँ पे भी दे दें तो वो ही बढ़िया है। वैसे ही आगे का फ्रंट है, हाईवे क्रूजिंग वगैरह के लिए बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, पर भाई चाहिए कुछ ऐसा। एक चीज़ और आप देखोगे इसमें है साइड स्टैंड, मतलब मेन स्टैंड उसकी कोई जगह नहीं है, मेन स्टैंड नहीं लगेगा। तो भाई जब बाइक में जब हम टूरिंग करेंगे तब क्या होगा, तभी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, तब तो कुछ सीन बनाना पड़ेगा। अब जो बाइक की हेडलाइट है, ठीक है ना, देखने में अच्छी लग रही है, LED भी है तो काम भी बढ़िया करती है। पर मुझे लगा है, मुझे पर्सनली लगा है कि रात में इसकी बीम थोड़ा सा इसकी वजह से ना, ये जो हेडलाइट ग्रिल है इसकी वजह से एक तो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, दूसरा कुछ मतलब पोजीशनिंग वगैरह ऐसी है कि भाई मज़ा सा नहीं आ रहा लाइट में। और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और डेफिनेटली ऑक्सिलरी लाइट्स तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि स्टॉक कम है, घोर अंधेरा होगा तब तो थोड़ा बहुत ठीक है, बट नहीं आपको ऑक्सिलरी लगाने पड़ेंगे तो वो कहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे कि कहाँ लगेंगे वो देखना पड़ेगा। तो भाई बस यही सारी चीज़ें हैं जो रीज़न है कि इसमें आपको कस्टमाइजेशन तो करनी ही पड़ेगी। एक हो गया ये, एक आपका जो मिरर्स हैं ये कस्टमाइज़ करने पड़ेंगे, टायर्स आपको कस्टमाइज़ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये जब सारी चीज़ें कस्टमाइज़ हो जाएगी पीछे आपको सैडल स्टे वगैरह लगाना पड़ेगा। या अभी इनके एक्सेसरीज़ वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना ट्रायम्फ में अवेलेबल थी तो इसलिए मैं लगा नहीं पाया, और ना ही अभी बाहर अवेलेबल है इमिडिएटली। तो जब लगेगी तो उसका भी मैं बताऊँगा कि इसका क्या क्या एक्सेसरीज लगानी है। और एक चीज़ और जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी वो है फ्रंट ब्रेक लीवर, ठीक, क्लच लीवर भी, दोनों ही नॉन एडजस्टेबल है, ठीक है ना। तो ये फिक्स्ड हैं दोनों, और भाई थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है इसमें, हालांकि क्लच काफ़ी लाइट है पर ये एडजस्टेबल होना चाहिए था, जैसे किसी के फिंगर छोटे हैं या किसी के ज़्यादा लंबे हैं तो वो थोड़ा सा एडजस्टेबल होना चाहिए था। और ब्रेक में यार एक इशू है कि इतना बाइट नहीं है, फ्रंट ब्रेक में खासकर बाइट नहीं है। अगर आप सिर्फ फ्रंट ब्रेक लगाएंगे ना तो जब आपका इनिशियली जो प्ले है वो है इतना, ठीक है ना, ये प्ले है, इसके बाद जब आप बाइक प्रेस करेंगे ना, मतलब आप सिंगल फिंगर से अगर करते हैं तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। पर अगर ऐसे करेंगे पूरे 2-3 फिंगर से तब तो आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी। पर ये है कि मतलब आपको ये प्रेस करना, बहुत ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा तभी आपको बाइट मिलेगी ब्रेक्स में, फ्रंट ब्रेक में स्पेशली। रियर के तो एकदम मज़ेदार हैं, जैसे लगाओ वैसे पता चलता है भाई ब्रेक लग रही है, इसमें नहीं पता चलता यार, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ताकत लगानी पड़ती है तब जाकर ब्रेक लगती है। हमको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है भाई, टूल किट वगैरह दे दो, हमें खुद सॉर्ट आउट कर देंगे। टूल किट के नाम पर बस दो चीज़ें दे रखी, वो भी ऐसी चीज़ें दे रखी कि भाई जिसका कुछ ज़्यादा सीट खोलने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। भाई उस दिन मुझे सारे फ्यूज़ इंडिकेटर फ्यूज़ वगैरह चेक करने के लिए इतना टाइम लगा, क्योंकि हाथों से कैसे निकलेगा यार, वो ऐसे घुसा रखे उन्होंने अंदर। तो भाई रिव्यू थोड़ा सा लंबा हो गया मैं जानता हूँ, डायमेंशंस और वो सारे देख लेना यार, वो तो सारी चीज़ें अपने आप देख सकते हो, नेट में हर जगह अवेलेबल है, ट्रायम्फ की वेबसाइट पे अवेलेबल है। पर जो बाकी चीज़ें हैं
कि आपकी बाइक कैसी है और कैसे बिहेव कर रही है, कैसा सब कुछ है, तो भाई वो मैंने बता दिया है। ये 300 किलोमीटर की रिव्यू है और इसमें अगर इतनी सारी मतलब 5 रीज़न तो मैंने बता ही दिए ना कि भाई क्या रीज़न है कि आपको ट्रायम्फ से मतलब देख के लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा मत लो, पर देख के लो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले। ये आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू है, ओनरशिप रिव्यू है कि कैसे रिव्यू होगा तभी पता चलेगा यार, वरना तो मतलब दिक्कत हो जाएगी। आज का अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आगे भी रिव्यू दूंगा मैं बाइक का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मतलब इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम भी मेरा लाइक कर लो या फॉलो कर लो, वो है @thepixelrider, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, बस इस पर आपको जाके फॉलो मार देना है, ठीक है ना। और बाकी बहुत सारी अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स मैं वहाँ पे देता हूँ। यूट्यूब पे थोड़ा सा मैं कम रेगुलरली अपडेट देता हूँ, क्योंकि इसमें मैं पूरा व्लॉग बनाने में टाइम लगता है, एडिटिंग वगैरह भाई मैं खुद ही करता हूँ तो सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा डिले होता है। इंस्टाग्राम पे मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं बाइक को रिलेटेड, जो भी मेरी राइड वगैरह होती है उसका, कब राइड है, कब मैं राइड नहीं कर रहा हूँ, कौन सी बाइक से राइड कर रहा हूँ, वो सारी अपडेट मैं उसमें देता हूँ, तो आप उसमें से देख के भाई अपना सारा कुछ अपडेट ले सकते हैं। तो हाँ, अब मैं बोल रहा था कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, है ना भाई, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया यार, और मतलब मैं आप लोगों को बोर भी नहीं करना चाहता भाई, इतना देख लो, इतना समझ लो, टू द पॉइंट बात है कि भाई ऐसा ऐसी दिक्कत है, आप ये देख लो, ठीक है। बाइक बहुत अच्छी है, डेफिनेटली वर्थ द मनी है। थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं जो आप कस्टमाइजेशन से कर सकते हैं, ठीक है ना, और मतलब चीज़ें हैं ऐसी कि मतलब आपको कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन जब करोगे तभी इस बाइक का पूरी तरीके से मज़ा ले पाओगे, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो 3 लाख की ऑन रोड पड़ जाती है, 3,10,000 के करीब, ठीक है ना। इसमें 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा और करो, बाइक को अपने हिसाब से बनाओ और फिर देखो भाई आपको मतलब सालों साल चलेगी भाई। 16,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल ऐसे नहीं दे रखा है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा, तो देखो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन कीप वॉचिंग PVSR व्लॉग्स मेरे यानी पवन के साथ, और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, और भाई जल्दी से बेल आइकन भी दबा दो। Get it on my head.